ठीक हूँ। दोस्त मेरा नाम मोहम्मद असद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्त आज हम अपने मोबाइल पर बनाते हैं इंट्रो, जो कि हमको दो एप्लीकेशन की मदद से बनानी होगी, काइन मास्टर और पिक्सल ऐप की मदद से बनानी होगी। सबसे पहले जो दोस्त अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक भी कर लें, और जल्दी से करते हैं हम अपनी बात को शुरू। सबसे पहले हमको क्या इस्तेमाल करना होगा, पिक्सल ऐप का इस्तेमाल करना होगा। पिक्सल ऐप का हमको क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले इसके बाद आपने क्या करना है, दो डब्बे को नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इमेज से नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको ऊपर कस्टम नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। और नीचे चौथे नंबर पर आपको यूट्यूब थंबनेल नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमने इसको ओपन कर लेना है। ये हमको नज़र आ रहा है न्यू टेक्स्ट, इसको हमें क्या करना है, डबल कर लेना है। ऊपर से आपको पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। फिर इसके ऊपर आपने क्या लिखना है, अपने चैनल का नाम। मिसाल के तौर पर मेरे चैनल का नाम ये है, ये मेरे चैनल का नाम है। इसको हमने क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। फिर इसको हमने क्या देना है, इसको हमने लाइन में रख लेना है। और इसको हमने क्या देना है, फॉन्ट देना है, माई फॉन्ट, माई फॉन्ट देना है इसको हमने। इसके बाद आपने कौन सा फॉन्ट देना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये वाला फॉन्ट देना है इसको। फिर इसको आपने क्या देना है, इसको लाइन देनी है, रिलेटिव पोजीशन पर जाना है, ऐसे ऐसे थोड़ा ये लाइन पर आ जाए। फिर इसको हमने क्या कर लेना है, इधर ही कलेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसको शिप देनी है, ये शिप इसको दे देनी है। फिर हमने इसको शिप तो दे दिया, इसको इसी के बराबर रख लेना है, बिल्कुल इसी के बराबर कर लेना है, बिल्कुल भी बिल्कुल भी। फिर इसको हमने क्या करना है, इसको कलर भी देना है, कलर भी ये वाला कलर देना है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको कलर दे दिया। फिर इसके बाद हमने दोबारा जाना है लेयर पर, ये जो हमने अपना चैनल का नाम है इसको इसके ऊपर मैच करना है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और फिर इसको दोबारा लेयर पर क्लिक करेंगे, को क्या करें, टू फॉन्ट पर क्लिक करना, ये हमारा नाम ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसको बी देना है, बी आपको बी तो का तो पता होगा, बी से डाल देना है, ऐसे ही कर लेना है इसको। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने सफ़ेद वाला कलर है इसको हमने क्या करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है। सफ़ेद वाला कलर को हमने क्या करना है, अब रिमूव करना है, क्या कहें, इरेजर कलर पर क्लिक कर लेना है। फिर इसके बाद इसको इनेबल कर लेना है, इसको अपने इनेबल करके फिर क्या करना है, इसको इनेबल करके आपने क्या कर लेना है, इसको ट्रांसपेरेंट दे देना, ट्रांसपेरेंट, यह अब ऐसे हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या कर लेना है, इसको जल्दी से सेव कर लेना है, क्या कर लेना है, जल्दी से सेव कर लेना है। ये अब सेव हो रही, ये अब सेव हो गई। फिर हमको क्या करना है, इसके बाद दोबारा काइन मास्टर पर जाना है, इसके ऊपर हमको फिर दोबारा बनाना है। ये जो हमने आइकन बनाया है काइन मास्टर पर, हम आ गए। फिर हमको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, इसके बाद हमको 16:9 पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हमको, फिर इसके बाद हमने क्या करना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाकर हमें क्या करना है, पहले हमने ऑलरेडी से एक आइकन डाउनलोड करके रखा है, आप भी गूगल से जाकर अपना एक अच्छा सा आइकन डाउनलोड करके रख लो। ये वाला हमने आइकन डाउनलोड करके रखा है, बहुत सारे आइकन डाउनलोड करके रखे, ये नहीं तो कोई और अच्छा सा लगा देते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। और भी मेरे पास है आइकन, ये वाला रख लेते हैं आइकन। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने आइकन बनाया है फिर हमने उसी को ही लाना है, हमने जो आइकन बनाया है उसी को लाना है। वो दोबारा जाएंगे लेयर पर और मीडिया पर, और इधर नहीं, लेयर पर जाएंगे, लेयर पर जाकर मीडिया पर, और इसके बाद हमको क्या करना है, जो आइकन बनाया था वो हमें पिक्सल ऐप में मिलेगा, ये हमको मिला है आइकन। इसके बाद हमें इसको इसके बराबर ही कर लेना है, और इसी के बराबर रख लेना है। फिर इसको इधर ही कर लेंगे। फिर हमको क्या करना है, इसको ऑलरेडी से सेव कर लेना है,
इसको क्या करें, ऑलरेडी से सेव कर लेंगे। ये हमारा आइकन सेव हो रहा है। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, फिर दोबारा हमको कैन मास्टर की मदद लेनी होगी, फिर प्लस वाला आइकन पर और 16x9 पर। फिर इसके बाद हमने एक अच्छा सा बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा है, अच्छा सा आइकन, ये वाला आइकन हमें डाउनलोड करके, आप भी ऑलरेडी से डाउनलोड कर लो। फिर इसके बाद हमने जो आइकन सेव करके रखा है वही हमको लेयर पर मिलेगा। फिर एक्सपोर्ट पर जाएंगे, फिर ये हमको इधर ही मिल जाएगा, ये आइकन हमको इधर ही मिल गया। फिर आपने क्या कर लेना है, इसको इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेना है। बैकग्राउंड ये जो नीले वाला सा वाला कलर है, इसको हमने क्या कर लेना है, बैकग्राउंड चेंज कर लेना है। क्रोमा की पर जाएंगे और इनेबल कर लेंगे इसको, ये इनेबल हो गया। फिर इसको हम देखते हैं कैसे चलता है। फिर हमने इसको इनेबल कर लिया, फिर इसको हमने क्या कर लेना है, इन एनिमेशन देनी है, इन एनिमेशन देनी है हमें इसको। अच्छा था, इसको हमने कवरेज बनाना है, कवरेज इसको हमने इन एनिमेशन भी दे दिया। अब देखते हैं कैसा हमारे इंटर बन गया। ये तो बहुत ही कमाल का इंटर हमारा बन गया। फिर दोबारा देखते हैं हमारा कैसा इंटर बन गया। फिर हम इसे जल्दी से ही कर लेते हैं सेव। ये हमारा इंट्रो बन गया, अब इसको हम कर लेंगे, क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। फिर इसके में असल बात यह है, तुम जब पिक्सल पर बनाओ तो अपने चैनल के नीचे, अपने नाम के नीचे कुछ और भी लिख सकते हो, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या कर लेना है, इसको सेव ही कर लेंगे, एक्सपोर्ट पर जाकर सेव कर लेंगे हम इसको। अब ये हमारा आइकन बन चुका है। अगर किसी को पूछना है तो वो हमें कमेंट में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, हमें फॉर्म से पूछ सकते हैं।